ग्राम सामला को ग्राम पंचायत जेठाना से पृथक कर प्रस्तावित ग्राम पंचायत अलीपुरा में सम्मिलित करने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। जेठाना पंचायत की सरपंच के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत जेठाना से सामला की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर बताई, जबकि अलीपुरा की दूरी करीब 12 किलोमीटर बताई गई है। वहीं विभिन्न चिकित्सा, शिक्षा, सहकारी बैंक की सुविधाओं का अलीपुरा में अभाव है। इसके चलते सामला के क्षेत्रवासियों ने जेठाना को ही ग्राम पंचायत बने रहने का आह्वान किया। ऐसा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। ऐसा है, अभी जो राजस्थान सरकार जो परिसीमन करने जा रही है, ये परिसीमन जनता की सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है कि जनता को सुविधा के बजाय बहुत ज़्यादा दुविधा हो रही है। जैसे मेरा रेवेन्यू विलेज है सामला, ग्राम पंचायत जेठना पड़ता है। ग्राम पंचायत जेठना से सामला की दूरी केवल बाई रोड 3 किलोमीटर है और ग्रेवल रास्ते से केवल 2.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। अलीपुरा से हमारा कोई ऑथेंटिक रास्ता नहीं है, हमें वाया गोलाव को जाना पड़ेगा जो 14 किलोमीटर पड़ता है, या वाया नागावा जाना पड़ेगा जो 13-14 किलोमीटर पड़ता है। हमारा बैंक का सिस्टम जेठना से अटैच है, हमारे जमीन के भाई बंटवारे जेठना से अटैच है, हम जेठना से निकल के सामला गए हैं, ठीक है ना। पशु चिकित्सालय हमारा जेठना में है, हॉस्पिटल हमारा जेठना में है, पशु चिकित्सालय जेठना में है, ग्राम सेवक पटवारी सारे जेठना में है। अब इसका कोई उचित ही नहीं है। हाँ, अलीपुरा को पंचायत बनानी है, इनको कोई दिक्कत नहीं, बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा सामला जैसे यथावत तो उसी ग्राम पंचायत में रहना चाहिए। और इसके लिए मेरी बात सुनो, सरकार ने जैसे बहुत सी छोटी पंचायतें जिनकी आबादी 2-2.5 हज़ार से ही कम है, उनको पंचायतें बनाई है। जैसे सावर क्षेत्र में हमारे पंचायत में पिसाण में मगरेड़ा है, ठीक है ना, तो पंचायत बढ़ाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अलीपुरा वालों की समस्या है, बढ़ाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा सामला, हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, एज इट इज रहने दें और हमारे ग्राम पंचायत जेठना भी हमें रखे, बस हमारी ये मांग है। अन्यथा अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, शासन प्रशासन ने भेदभावपूर्ण हमारे साथ कार्रवाई हुई, तो हम सारी सरकारी सुविधाओं का बहिष्कार करेंगे, हम मतदान नहीं करेंगे, हम नरेगा में कोई हमारा आदमी नरेगा में नहीं जाएगा, जो भी सरकारी सुविधाएं हैं हम उसका सबका बहिष्कार करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, और हमारे बच्चों के सारी टीसी कटाएंगे, हमें नहीं पढ़ना, मतलब जी। और हमें उम्मीद है कलेक्टर साहब हमारी बात सुनेंगे, लगभग 300 है।